नमस्कार दोस्तों, संडे को आए भूकंप ने नेपाल में काफी तबाही मचाई थी और करीबन 160 से भी ज्यादा लोगों की मौत हुई इसमें। और साइंटिस्ट लगातार नेपाल के इस रीजन पर नजर रखे हुए हैं और उनका मानना है कि नेपाल जो कि दो मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स के ऊपर है और ये काफी फॉल्टी है, उस पर अभी और ज्यादा रिस्क है और बड़ा खतरा आ सकता है। जैसे कि देखा गया था 2015 में एक बड़ा भूकंप आया था, लेकिन अभी जो हाल ही में भूकंप आया था 5.7 मैग्नीट्यूड का अराउंड, वो कुछ ऐसे इलाके में आया था जहां पर हाईली पॉपुलेशन नहीं थी। उसका जो एपिसेंटर था वो नेपाल की हाईली पॉपुलेटेड एरिया में नहीं था, लेकिन अगर ये एपिसेंटर काठमांडू शहर के नजदीक होता तो यहां पर और ज्यादा खतरा था और जाने जा सकती थी। लेकिन खतरा अभी भी टला नहीं है, क्योंकि जहां पर ये एपिसेंटर था पिछले भूकंप का, वो नेपाल के हिली एरिया में था जो कि जजारकोट और रुमकुम वेस्ट के आसपास का था। काफी बैडली होम इम्पैक्ट हुए हैं और मौत का आंकड़ा इसलिए भी है क्योंकि वहां पर जितने भी घर बने थे मोस्टली मड के घर थे या फिर वो बहुत स्ट्रांग घर नहीं बने, और ये भी एक कारण है कि बहुत सारी जाने जाती हैं। आपको बता दें, जनवरी 2023 से अभी तक की 70 अर्थक्वेक आ चुके हैं, यानी कि 70 बार भूकंप स्ट्राइक कर चुका है नेपाल को, और साइंटिस्ट इसीलिए चिंतित हैं। और साइंटिस्ट का मानना है कि अगर अब कुछ समय बाद भूकंप आते हैं तो वो और ज्यादा बड़े आएंगे। ऐसा नेपाल के कुछ साइंटिस्ट और दुनिया भर के साइंटिस्ट का कहना है, ये भूकंप अब और बड़े हो सकते हैं और अनुमान लगाया जा रहा है रेक्टर स्केल पर 8 मैग्नीट्यूड तक के भूकंप आ सकते हैं, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक साबित होंगे। अब इसका किया भी क्या जा सकता है, डॉक्टर दीक्षित जो कि चीफ है नेशनल सिस्मोग्राफिकल सेंटर नेपाल में, उन्होंने ही इन सब चीजों की जानकारी दी और उन्होंने ही बताया कि नेपाल पूरी तरीके से सिस्मिक रीजन में, सिस्मिक एक्टिव रीजन में, यानी कि पूरे देश में भूकंप आने के खतरे, तो हम कहीं पॉपुलेशन को शिफ्ट भी नहीं कर सकते, यहां से लोगों को उठा के वहां कर दिया जाए और खतरा कम हो जाए। और आमतौर पर अब भूकंप की तीव्रता पूरे वर्ल्ड में बढ़ती ही जा रही है। तुर्की में भूकंप आया जो कि काफी ड्रास्टिक भूकंप आया, जापान में भी तीव्रता बढ़ती जा रही, हालांकि जापान की टेक्नोलॉजी काफी बेहतर है और वहां पर बिल्डिंग्स गिरती नहीं है। और नेपाल के पास अब एक ही चारा है, क्योंकि नेपाल में पूरे देश में भूकंप के खतरे बहुत ज्यादा है। ऐसे में जो कंस्ट्रक्शन होता है उस पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन ठीक से नहीं किए जाते जिसके चलते यहाँ पर भूकंप आने से बिल्डिंग्स ताश के पत्तों की तरह ढेर हो जाती हैं और इस पर गवर्नमेंट्स को स्टिक एक्शन जरूर लेना चाहिए। मेरी राय में सबसे बड़ा बचाव नेपाल का अभी यही हो सकता है, सरकारों को कहीं ना कहीं सब्सिडी या फिर कुछ और चीजें मुहैया करानी चाहिए लोगों तक, जिससे जब भी कोई अपना घर बनवाए तो उस तक ये इन्फॉर्मेशन जरूर पहुंचे कि अपने घर को कैसे बनाया जाए जिसके चलते यहाँ पर भूकंप आने से नुकसान ना हो और बिल्डिंग्स ना गिरे, जिससे बहुत सारी लाइफ जरूर बचेंगे। लेकिन खतरा अभी टला नहीं है, तो प्लीज सतर्क रहिए, भूकंप आ सकते हैं।